आज मैं बनाऊंगी मोमो चटनी। मोमो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें मैं तेल डालूंगी। सबसे पहले तेल को हम अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें मैं लहसुन डाल रही हूँ। लहसुन को हमें काटने की जरूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्ट डाल सकते हैं क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है। हम 2 मिनट इसे भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और टमाटर गलने तक हम इसे भून लेंगे। टमाटर हमारा थोड़ा गल गया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल रही हूँ। मैंने सूखे लाल मिर्च को 15 मिनट से पानी में भिगो के रखा है। अब मिर्च को भी हम इसी में डाल देंगे और इसे 2 मिनट तक भून लेंगे। सभी चीजों को मैंने अच्छे से भून लिया है, अब हम इसे ठंडा करके मिक्सर ग्राइंडर में इसे पीस लेंगे। मैंने यहाँ पे मोमो चटनी को पीस लिया है, अब हम इसे मोमोज के साथ सर्व कर लेंगे।